हेलो गाइस, मेरा नाम है ऋतिक राज और आज है मेरा पहला व्लॉग आप लोगों के साथ। और आज का व्लॉग स्पेशल होने वाला है, स्पेशल इसलिए क्योंकि आज टीचर्स डे है। तो सबसे पहले हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल टीचर्स और मेरे मेंटर्स जो मुझे देख पा रहे हैं। और आज का स्पेशल व्लॉग इसलिए क्योंकि आज बच्चे मुझे थोड़ा सरप्राइज़ देने वाले हैं, तो इसलिए उन्होंने मुझे स्टूडियो आने के लिए मना किया है कि अभी मैं ना आऊँ, 10 से 15 मिनट बाद जाऊँगा। फिलहाल के लिए मैं अपने फ्रेंड के घर पे हूँ और मैं और कुणाल यहीं पे वेट कर रहे हैं। जब स्टूडेंट्स बोलेंगे तभी हमें जाना पड़ेगा, तो चलते हैं गाइस। तो गाइस, वेट हुआ ख़त्म, मेरे पास कॉल आ गया स्टूडेंट्स का। और ये कुणाल सर देखिए यहाँ पे लेटे हुए क्या कर रहे हैं। कुणाल सर क्या कर रहे हो आप? नहीं, कुणाल सर क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो कुणाल सर? फोटो देख रहे हो? आप फोटो देख रहे हो? तो कुणाल सर इतना फोटो देखते हैं, इतना देख सकते हो, कॉल आ चुका है, अभी मैं कॉल पिक करता हूँ। क्या बोल रहे सर? She is my wife. Oh, your wife? Yeah. अरे वाह, बहुत अच्छी है सर, बहुत अच्छी है। गजब टूबी बाज आदमी हो। तो गाइस, हम चल दिए स्टूडियो की तरफ, मैं और कुणाल सर। तो कुणाल सर कैसा लग रहा है, क्या सरप्राइज होगा? और रास्ते में कुणाल सर गाना गा रहे हैं। कुणाल सर इज वेरी फनी मैन, वेरी फनी मैन। और हमारे साथ आयुष भी है। आयुष कैसा लग रहा है तुम्हें आज यहाँ पे आके मुझे पंडागर में? आप सर बहुत बढ़िया लगा भैया, पीटी कट भैया, थैंक यू, बदला बदला सा लगता हूँ। तो गाइस, कुणाल सर कुछ बोलना चाहते हैं इसलिए उन्होंने कैमरा ऑन कराया है। कुणाल सर बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं आप? हेलो हेलो हेलो, आप लोगों को सेफ लोकेशन चाहिए। सेफ लोकेशन? सेफ लोकेशन चाहिए, लोकेशन बेस्ट है। दिस इज अ वेरी गुड लोकेशन एंड वेरी सेफ प्लेस। तो गाइस, हम पहुंच गए हैं स्टूडियो में। ये रहा हमारा स्टूडियो, कुणाल सर स्टूडियो। कुणाल सर अब यही स्टूडियो बता रहे हैं, बच्चे ने अभी अंदर घुसने नहीं दिया है हमें। बच्चे यहाँ बुला रहे, आज तो सरप्राइज देने लग रहा है। iPhone 15 Pro Max मिलने वाला है गाइस। बच्चे यूँ कह रहे हैं कि भैया नमस्ते, बाहर दिए भगाना चाह रहे बच्चे में। भैया ने मुझको इनवाइट करा है, देहरादून से भैया ने मुझको कॉल करा, आयुष आ जाना। मैंने कोई भी इनविटेशन नहीं भेजी है गाइस, ये सब बोली उठाया है, ये सारी सामने बोली वाली बातें हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है, बोला था मतलब भैया कैमरे के सामने नहीं बोल रहे हैं। नहीं गाइस, मैं कैमरे के सामने सब कुछ बोल दूंगा गाइस, मैं जो बोलूंगा सच बोलूंगा। नमस्ते भाई, ये बच्चे, अरे नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो गाइस आप देख पा रहे हो स्टूडेंट्स पूरी तैयारी कर रहे हैं बेचारे। तो गाइस अब हम अंदर जा रहे हैं, अब देखते हैं अंदर क्या होगा। और पूरा अंधेरा अंधेरा, यहाँ पूरा अंधेरा अंधेरा। नमस्ते भाई, नमस्ते, बहुत बढ़िया, बहुत चेक करो गाइस, नमस्ते। ये देखिए गाइस कितनी अच्छी डेकोरेशन करी है बच्चों ने। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
भाई साहब देख लो कितना महंगा केक जो हमने देखा नहीं वो काट रहा है आज। देखो कितना मोबाइल लिया है इनने। तो गाइस देखे यहाँ बच्चे केक एंजॉय करते हुए। पायल कहते तुम हाथ दिलाओ, ये मेरा पहला ब्लॉग है बेटा, ऐसा हाथ दिलाओ सपोर्ट करवाओ। देखिए बच्चे अपनी ड्यूटी पे लगते हुए केक काटते हुए। ये कुणाल सर अलग ही। तन्नो कैसे हो बेटा, ठीक हो बेटा? इस सभी बच्चों ने देखे गाइस, बच्चों ने कितनी प्यारी डेकोरेशन गाइस, इतना प्यार गाइस। हालांकि मैंने बोल रहा था जितने पैसे डेकोरेशन में लगाए फोन पे कर देते। ओह माय गॉड फोन पे पैसे गाइस केक कर लो गाइस। जहाँ पीछे दो चॉकलेट रखे गए ना वहीं एक चॉकलेट मेरी भी रखी गई, तो जो वो बहलाया फुसलाया ना जा रहा है मुझे। तो गाइस अभी टाइम है परफॉर्मेंस का, बच्चे एक परफॉर्मेंस करेंगे। क्या क्या कह रहे थे? बैठ जाओ। अच्छा बैठ जाओ। तो गाइस बैठ जाओ। तेनू की दसा मेरे लिए क्या तू, मेरे लिए धड़कन मेरे लिए सा तू, मेरे को कुछ पूछाई दूरी एक आरज़ू चाहिए। कैसा ही हो? एक बार और
शेर इतना स्पेशल बनाने के लिए बिल्कुल थैंक यू आप लोगों का। रो में सकता नहीं क्योंकि आप सिग्मा मेलूरा में थैंक यू गाइस। तो गाइस यहाँ पे हमारे लिए एक सरप्राइज है, हमारे लिए नहीं मेरे लिए जूते जूते हैं ऐसे बिल्कुल ऐसे। शायद अंदर शूज हो सकते हैं और कुछ हो सकता है या कुछ वीडियो हो सकता है ग्रीन रूम या पेटी हो सकता है पेटी ग्रीन रूम हो सकता है कुछ भी हो सकता है। देखिए गाइस अब हम एक कुछ गाइस बच्चों ने मुझे स्टिंग दी है, शायद लगता है मैं बहुत ज्यादा स्टिंग पीता हूँ गाइस, इसलिए उन्होंने पूरे पेटी मुझे गिफ्ट कर दी है भाई पेटी। तो भाई यहाँ पे बच्चे बहुत सारे अच्छे अच्छे सरप्राइज लेके आए हैं और ये बच्चे ज्यादा रो रहे हैं जो भी रो रही बेचारी। बच्चे का क्यों रो रहे हो आप बोलो इसमें आवाज चली जा। मैं नहीं रो रहा ये नहीं रो रहा है थैंक यू बच्चों इतना कुछ करने के लिए। वो ईमान तो बैठा है रो रहा पता नहीं क्यों रो रहा याद आ रही है। तो तन्नू का बहुत बड़ा रोल था देख रहा क्या जा रहे शेर शेर ओ। बाकी आज के ब्लॉग को गाइस हम ये एंड करते हैं, बाकी लाइक करें शेयर।